मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि पिछले दिनों हमने आपको वीडियो दिया 30 मिनट्स कंप्लीट बेली फैट वर्कआउट, 30 मिनट्स फुल बॉडी फैट लॉस, तो आज हम आपको वीडियो देने जा रहे हैं लोअर बॉडी वर्कआउट। लोअर बॉडी मतलब आप जिसमें आपकी थाइज, हिप्स, लेग्स और बटॉक्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं तो पूरा जो प्रॉपर शेप आए आपकी लोअर बॉडी की, भले ही आपके थाइज हों, हिप्स हों, लेग्स हों, तो जिससे कि आप कोई जीन्स पहने, प्लाजो पहने, कोई भी लेगिंग पहने, जैगिंग पहने, जिससे कि आप अट्रैक्टिव लगे, तो उसके लिए आपकी प्रॉपर शेप में होना, आपकी जो लोअर बॉडी है उसका प्रॉपर शेप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही ईजी वर्कआउट लेके आए हैं, 30 मिनट्स का, 20 मिनट्स का हो सकता है, 25 मिनट्स का हो सकता है, वो देखेंगे। आप भी हमारे साथ कीजिए, बिल्कुल लाइव करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें स्क्वैट्स। और किस तरह करने हैं, आराम से आप सीधा ही, अभी फ्रंट अभी सीधा ही करके दिखाइए। हाँ बिल्कुल, इतना गैप रखेंगे पैरों में। और चलिए स्टार्ट। यस, आपने हाफ बैठना है, इतना ही गैप रखेंगे टांगों में, और नीचे बैठना है, हाफ बैठना है, पूरा नीचे नहीं बैठना है, बस हाफ हाफ बैठेंगे और उठ जाएंगे। इसी तरह कोशिश करनी है जितनी देर आप कर सकें। हो सकता है स्टार्टिंग में, अगर आपने अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं की है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपसे गलत हो, लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन आती जाएगी। अब थोड़ा सा एक बार पीछे मुड़ के इनको करके दिखाइए कि पीछे से कैसे लगते हैं। यस, करिए। यस, तो इस तरह फ्रंट से और बैक से मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जिससे कि आपको पता लगे कि करना कैसे है, पोजीशन कैसे है इसकी होनी चाहिए। तो इस एक्सरसाइज से क्या होगा, जैसे ही नीचे बैठ के ऊपर उठ रहे हैं, आपके बटॉक्स पे, आपके थाइस पे, आपके हिप्स पे, लेग्स पे पूरा जोर पड़ रहा है, और इस एक्सरसाइज से लोअर बेली पे भी जोर पड़ता है। यानी मल्टीपल बेनिफिट्स आपको इस एक्सरसाइज के मिलने वाले हैं। अब थोड़ा साइड से करके दिखा दीजिए। यस, अब साइड से भी आपको करके दिखा रहे हैं, तो हर एंगल से हम आपको करके दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ आ जाए भी करना कैसे है। इसके भी आपने जितनी देर कर सके, आपने तो एक ही जगह खड़े होकर करना है, हम तो सिर्फ एंगल इसलिए चेंज कर रहे हैं कि आपको पता लगे भी आगे से कैसा लगता है देखने से, पीछे से कैसा, तो आपको पोजीशन समझ में आए। तो अगर आप अच्छे अपने बैक चाहते हैं, बटक्स चाहते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, आपके जो बट्स हैं वो आउट ऑफ शेप हैं, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, तो उनको भी, उनके फैट को ख़त्म करके उनको एक बढ़िया टोंड, यानी टोंड आपको बटक्स मिलेंगे, थाइज, हिप्स, लेग्स। तो ये 4-in-1 एक्सरसाइज है लोअर बॉडी वर्कआउट की, बहुत ही वन, जिसमें कि आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जितना आपसे एक बार में हो उतना करना है, उसके बाद फिर वही 30 सेकंड्स का या 45 सेकंड्स का रेस्ट लेके इसको फिर दोबारा करेंगे। और बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत ही बढ़िया, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस एक्सरसाइज के। तो अब 30 सेकंड्स का हम ले लेंगे रेस्ट, और उसके बाद फिर से दोबारा करेंगे इसको। तो आज हम आपको दो दो सेट करके दिखाएंगे। वैसे आपने कम से कम 3-3 सेट करने हैं हर एक्सरसाइज के, लेकिन आज हम आपको दो दो सेट करके दिखाएंगे हर एक्सरसाइज के। तो अब हम रेस्ट लेंगे, रेस्टिंग के दौरान ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करेंगे, स्टार्ट स्टार्ट। देख रहे हैं जैसे ही नीचे जाके ऊपर उठ रहे हैं, कितना जोर पड़ रहा है आपकी थाइस पे। तो आपकी थाइस पे भी अगर फैटी थाइस हैं, बहुत ज़्यादा बेडोल हैं, तो वो भी उनका फैट ख़त्म होके बिल्कुल टाइट हो जाएंगे, तो टोंड आएंगे, ऐसे ही सेम पीछे जो बट्स का है। और लेग्स पे भी जोर पड़ रहा है, तो इस पे क्या होता है, बैक यानी कमर पे भी जोर पड़ रहा है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके लिए 5-6 उस पे काम करेगी बिल्कुल। तो ये जो एक्सरसाइज, तो जो पहली एक्सरसाइज हमने आपको बताई स्क्वैट्स, तो कैसे करने हैं वो आपको बता दिया, उसके कम से कम 3 सेट आप कीजिए। अब हम दूसरी एक्सरसाइज आपको बताने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे जो आपके जो ये जो साइड का फैट है, जो ये वाला फैट है आपका, ये वाला फैट हाथ लगा के दिखाओ, जो यहाँ बिल्कुल ये वाला जो फैट है, इससे ये ख़त्म होगा। चलो जी स्टार्ट। पहले आप लेफ्ट से करेंगे, फिर देखिए आराम से दीवार का सहारा लेके जितनी आप आराम से टांग को ऊपर लेके जा सकते हैं, फिर आराम से नीचे लाना है, और कोशिश करनी है थोड़ा सा और ऊपर लेके जाइए, हाँ ऐसे, और थोड़ा धीरे धीरे नीचे लाइए, बिल्कुल धीरे धीरे। जब लेके जाएंगे तो चाहे थोड़ा ज़ोर से लेके जा सकते हैं, लेकिन जब इसको ड्रॉप करेंगे तो धीरे धीरे। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये आपकी लोअर बॉडी की, जिसे आपके बट्स, थाइज, हिप्स, सभी, ये जो एक एक एक्सरसाइज है, ये 4-4, 5-5 चीज़ों पे काम कर रही है, जो देखने वाली चीज़ है। तो पहले हम लेफ्ट लेग से करेंगे जितना कर सकते हैं, उसके बाद उसी समय राइट लेग से करेंगे, फिर रेस्ट लेंगे 30 सेकंड का, जो भी लेना है।
अब हम राइट लेग से करेंगे, यस। कोशिश करना है, ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे थोड़ा सा आपको लगेगा बैलेंस बिगड़ रहा है, थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे परफेक्शन हो जाएगी। जितना आप कर सकें ज़रूर कीजिए। तो ऐसे ही करना है, जितना आप कर सकें, पहले लेफ्ट लेग से, फिर राइट लेग से, उसके बाद फिर रेस्ट लेके फिर दोबारा उस सेट को हम करेंगे। बहुत ही बढ़िया वर्कआउट आज हो रहा है। अब हम रेस्ट लेंगे, 30 सेकंड रेस्ट लेके फिर जल्दी से दोबारा से इस एक्सरसाइज पे आएंगे। उसके बाद फिर तीसरी एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी। स्टार्ट स्टार्ट, बिल्कुल कंट्रोल्ड मूवमेंट में, कंट्रोल्ड मूवमेंट में, बिल्कुल लड़खड़ाना नहीं चाहिए शरीर, यस। थोड़ा और जितना ऊपर उठता है उठाइए, इसको इस तरह करते चले जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको शेयर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल सीधा खड़े होंगे दीवार के साथ, बिल्कुल बॉडी को सीधा करेंगे, अब करेंगे, सिर्फ लेग की मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये जो ये दूसरी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई, इस तरीके से आप करेंगे। और अभी हम आपको तीसरी एक्सरसाइज बताएंगे, तो 30 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए। तो ये दो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी, तो जो जो एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको कोई एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट लगती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हम 4-5-6 एक्सरसाइज तो आपको बताते ही हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं आपने सारी करनी है। अगर कोई एक्सरसाइज आपको ऐसे लगे कि ये डिफ़िकल्ट है या थोड़ा हमारी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं बन रही, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अब तीसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही आसान है। इसमें आपने क्या करना है, उल्टा इस तरह लेट जाएंगे आराम से, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, हाँ ऐसे। तो इसको कैसे करेंगे, हाँ बिल्कुल आराम से ऐसे कंफर्टेबली लेट के दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे, अपने बटक्स तक लेके आएंगे ऐसे, यस करें, यस। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, देखिए आराम से आगे ऐसे लेट जाना है और इस तरह करना है, ये देखिए, देख रहे हैं। तो इसके भी जितने हो सके उतने करने हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके फिर आप ऐसे 2-3 सेट लगाएंगे, पूरा यहाँ पे जोर पड़ेगा आपके जो थाइस का जो बैक एरिया है, बटक्स है, टांगे हैं, पूरा जोर यहाँ पे आपके पड़ रहा है। तो जितना हो सके करना है, सारा लेग्स का, थाइस का, हिप्स का पूरा वर्कआउट, आप एक ही एक्सरसाइज के मल्टीपल बेनिफिट्स। अब रेस्ट लेंगे 30 सेकंड्स का ऐसे ही, अब उठेंगे नहीं क्योंकि उठ के फिर नीचे लेटना पड़ेगा, तो इसलिए इसी तरह हम वो कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट, बिल्कुल। तो हर एक्सरसाइज के 3-3 सेट ऐसे करेंगे, तो लोअर बॉडी को अगर आपने शेप में लाना है तो इस वर्कआउट को अपनाना है, इस वीडियो को देखना है। आसान आसान सा वर्कआउट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं हर रोज़।
फिर जितनी देर आपसे हो उतनी देर करना है, उसके बाद फिर रेस्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हैं 2 सेट इसके पूरे। तो 3 एक्सरसाइज हम आपको आज बता चुके हैं, और उसके बाद अभी 30 सेकंड का रेस्ट लेके फिर हम आपको एक दूसरी एक्सरसाइज और बताने। तो 3 एक्सरसाइज हमने आपको बताई, अब हम आपको चौथी एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं, जिसको आराम से आप बैठ के इस तरह देख लीजिए। इसको जस्ट लाइक बटरफ्लाई देखिए, बिल्कुल ऐसे करेंगे स्टार्ट। ये देखिए, इस पर पूरा आपके थाइस का फैट, पूरा आपका जो पेल्विक रीजन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इसको आपने ऐसे करना है, कितनी देर कर सकते हैं आप सीधा देखिए। इसके भी आप 2-3 सेट ऐसे ही करेंगे। तो इजी इजी एक्सरसाइज हम आपको बता रहे हैं, जो आप करके आराम से अपने जो लोअर बॉडी को टारगेट कर सकते हैं। अब रेस्ट थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा फिर ये सेट करेंगे। तो हर एक्सरसाइज के आपने 3-3 सेट करने हैं। हम आपको 2-2 करके दिखा रहे हैं, लेकिन आपने 3-3 करने हैं। तो उससे आराम से आपका जो है आधे घंटे का वर्कआउट पूरा हो जाएगा। अब दोबारा दोबारा से फिर कर रहे हैं। यस, तो ये हो गया जी। तो ये आपको मैंने सबसे पहले स्क्वैट्स बताए थे, उसके बाद साइड में बॉल में बताया 2 एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज लेट के, और ये चौथी एक्सरसाइज, यानी 4 एक्सरसाइज मैं आपको बता चुका हूँ। अभी 5वीं एक्सरसाइज भी आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको 5वीं एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं। 4 एक्सरसाइज हम आपको बता चुके हैं, स्क्वैट्स वॉल का साइड में नीचे लेट के, और अभी जो बटरफ्लाई, ये 5वीं एक्सरसाइज स्टार्ट। देख लीजिए आराम से कैसे करना है। इस पे भी देखिए, जैसे आप नीचे बैठ रहे हैं तो थाइस पे जोर पड़ेगा और पीछे बट्स पे जोर पड़ेगा। ये देखिए बिल्कुल, तो इसका भी ऐसे देख लीजिए कैसे करना है। बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा इसको सीख लेंगे तो करने में आसानी हो जाएगी। इसके भी आपने 3 सेट करने हैं, एक बार में जितना कर सके, 10 बार 12 बार 15 बार, वो देख लेना आप अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रेस्ट लेके दोबारा करेंगे। तो आज हमने आपको टोटल 5 एक्सरसाइज बताई हैं, और इसके बाद एक और सेट करके दिखाएंगे मैडम। स्टार्ट, इस तरह करना है आपने, आराम से देख लीजिए। यस, करो करो। तो ये इस तरह आकर 5 एक्सरसाइज आज हमने आपको बता दी हैं, और 15 मिनट होने वाले हैं, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। 5 एक्सरसाइज इनफ हैं, इन 5 में से आपने 3-4 भी कर ली तो बहुत है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट के जरिए बताएँ, और किस तरह हम और सुधार कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि वीडियो आप इस टाइप से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, या किसी पर्टिकुलर आपको बॉडी पार्ट पर वीडियो चाहिए, तो कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हम आपका समाधान जरूर करेंगे, क्योंकि हमने घर रह के ही अपने शरीर को संवारा है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।